बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी और जमा समेत बैंक से संबंधित सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बैंक कर्मचारियों के संगठन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 31 जनवरी से 2 दिन की हड़ताल पर हैं। हालांकि ICICI बैंक और HDFC जैसे निजी क्षेत्र के बैंक खुले हैं। भारतीय स्टेट बैंक समेत विभिन्न बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया था कि हड़ताल की वजह से बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। वहीं इस हड़ताल पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी को बैंकों में हड़ताल रहेगी। वहीं मार्च में 11, 12 और 13 तारीख को भी हड़ताल की जाएगी। अगर सरकार हमारी मांगों पर जल्द अमल नहीं करती है तो 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। गोरखपुर से जनमत न्यूज के लिए अभिषेक पांडे के साथ शांति भूषण राय की रिपोर्ट। ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है और चिट्ठी जिंदा जिंदाबाद।